अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शेव और आप देख रहे हैं शेव टीवी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको विजिट करवाने वाले हैं बाबा गुल शाह बुखारी के दरबार का। तो आइए, हज़रत बाबा गुल शाह बुखारी का दरबार रहीम यार खां की तहसील सालकाबाद के एक इलाके माची गोठ में वाक़िया है, जो कि तारीखी अतबार से किसी की तारीफ़ का मुहताज नहीं। तो दोस्तों, आज हम आपको सैर करवाएंगे बाबा गुल शाह बुखारी के दरबार की। तो फ्रेंड्स, छोटा सा दरबार है, लेकिन हर साल उर्स के मौके पर यहाँ पर हज़ारों की तादाद में अकीदतमंद आते हैं, जो कि अपनी मन्नतें मांग कर जाते हैं, आपको इस दरबार का विज़िट करवाते हैं। दोस्तों, आइए चलते हैं दरबार के अंदर की जानब। ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि दरबार के बाहर की जानब एक आपको कब्र नज़र आ रही होगी। हम दोस्तों चलते हैं दरबार के अंदर की तरफ। तो फ्रेंड्स, हम दरबार के अंदर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी अंधेरा है और बहुत ही सफाई का खास ख्याल रखा गया है। दरबार के अंदरूनी जानब बहुत ही आला किस्म की टाइल्स लगाई गई हैं, जो कि दरबार की खूबसूरती में और भी ज़्यादा इजाफ़ा करती हैं। दरबार की खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा करने के लिए फ़ानूस, सीनरियाँ और गुलदस्ते दरबार के अंदर रखे गए हैं। दोस्तों, इसकी इंतज़ामिया दरबार को बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा रखती है। तो फ्रेंड्स, दरबार के पास अकीदतमंदों के बैठने के लिए एक छोटा सा प्लाट है, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, और इसके साथ ही वजू खाना भी है और साथ में ठंडे पानी के लिए कूलर लगाया गया है, जिससे तमाम अकीदतमंद गर्मियों में पानी पी सकते हैं। दोस्तों, इस दरबार की सबसे ख़ास बात यह है कि साल के हर इस्लामी महीने की पहली जुमेरात को यहाँ पर वसी लंगर का इंतज़ाम किया जाता है, जिस पर गिरदनवा के तमाम अकीदतमंद हजरात हाज़िरी देते हैं और खाने को अपने घर वालों के लिए भी ले जाते हैं। सर्दियों के मौसम में इस ग्राउंड में अकीदतमंदों के खाने का इंतज़ाम किया जाता है, और गर्मियों के मौसम में चूँकि यहाँ पे साया नहीं होता, इसलिए सुख चैन के दरख्त लगाए गए हैं, जिनके नीचे बैठकर अकीदतमंद खाना खाते। सर्दियों के मौसम में इलेक्ट्रिक कूलर की बजाय मिट्टी के घड़ों में पानी भर के रख दिया जाता है, जो कि अकीदतमंद हजरात पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, हमारा आज का व्लॉग मुकम्मल हो चुका है। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो।